मैं दोस्तों अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये नौबतपुर विक्रम रास्ते पे एक एक्सीडेंट हुआ है और ये जो पेड़ है, एक्सीडेंट कराने वाला ये पेड़ है, नौबतपुर विक्रम के बीच में ये पेड़ गिरा हुआ है। सुबह से जब हम ब्लॉक शुरू किए थे, जब जा रहे थे तभी भी ये पेड़ गिरा हुआ था, अभी तक भी ये पेड़ यहाँ पर गिरा हुआ है। पुलिस प्रशासन सभी लोग आ जाएंगे अगर यहाँ पर कोई एक्सीडेंट के बजाय कोई झगड़ा कर ले, कोई लड़ाई कर ले। तो देखिए, जो व्यक्ति जो एक्सीडेंट हुआ उनका इतना चोट लगा हुआ है, ये किसकी नाकामी है, ये किसकी गलती है, ये कौन बताएगा, ये सरकार इस पर क्यों नहीं ध्यान देती। ये पेड़ सुबह से गिरा हुआ है, सुबह के टाइम में गिरा हुआ पेड़ है, ये सुबह से था, कब से था, जब हम यहाँ से जा रहे थे तो ये पेड़ तभी भी गिरा हुआ था और अभी भी इसका यही कंडीशन है, इसको कोई उठाने वाला नहीं। देखिए, इस रोड से एक्सीडेंट होके लोग आगे जा चुके हैं, चोट लगा है उनको, काफी एक्सीडेंट हो गया, अब वो जा रहे हैं। ऐसे कितने लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है यहाँ पे, ये कौन पूरा करेगा, इसको कौन बताएगा, इनका परिवार है, माँ बाप है, बीवी बच्चे हैं, कौन इनकी मदद करेगा। ये सरकार की नाकामी है। ये देखिए, ये पेड़ गिरा हुआ है यहाँ पे, कोई पूछने वाला नहीं। सरकार हमको सरकार तो हाँ सरकार को हम बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये लोग। ये देखिए, इनका एक्सीडेंट हुआ, कोई पूछने वाला नहीं है इनको, कौन करेगा इनके लिए। आप दिखाइए अपना एक्सीडेंट, दिखाइए। आप बाइक नहीं चलाते हैं क्या? आप बाइक नहीं चलाते? चलाता है, चलाता है, हम नहीं चलाते। ठीक है, जाइए। देखिए, ये देखिए, पेड़ गिरा हुआ सुबह से, अभी नहीं गिरा हुआ है, ये सुबह से गिरा हुआ पेड़ है, लेकिन कोई इनको देखने वाला नहीं है। आप लोग नंबर नहीं नोट किए? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिलैक्स, आराम से जाइए। आप मत चलाइए, गाड़ी चला सकते हैं ना? कैसा होगा, नहीं हो रहा है, रुके ना, किसी को आदमी आ रहा है, चुप रहो, स्टार्ट हम कर देंगे। कोई आ रहा है? यहाँ पे बात नहीं है सर, मेरा आदमी है यहाँ। नहीं नहीं, सही बात है। देखिए, मैं तो बोल, पेड़ रात से गिरा है, कब से गिरा हुआ है, इतना सा जगह, उसमें तो कितने एक्सीडेंट होगा, रात में तो भी और एक्सीडेंट होगा इसके अंदर। अभी दिन है, दिन में ये हालत है, तो रात में पता नहीं क्या होगा, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। अगर कोई छोटी छोटी बात हो जाए, पुलिस तुरंत दौड़ के आ जाएगी यहाँ पे, सभी लोग आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है ये लोगों को। ये कंडीशन है यहाँ पे। प्लीज थोड़ा सा इनको मदद करिए ना, इनको गाड़ी चालू करा दीजिए भैया का, थोड़ा आप नीचे उतरिए, नहीं जा सकते हैं तो दूसरे को हम मतलब वो करते हैं, कोई मदद। ये पेड़ पता नहीं कब से गिरा, अभी से नहीं गिरा, बहुत टाइम से गिरा हुआ है, कोई हटाना चाहिए, मॉर्निंग से ही गिरा हुआ है पेड़। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे, मॉर्निंग में हम भी जा रहे थे तो ये पेड़ गिरा हुआ था, अभी भी गिरा हुआ है। अगर हम ही बचे, बड़ा हल्का दम। हाँ, जगह नहीं है, लोग जाएंगे कैसे? हम लोग डेली तो इसी से आना जाना, बैंक जाते हैं। बिल्कुल फिर से, तो मैंने हम लोग क्या करें, एकदम सही बात है, ये सरकारी तंत्र है। यहाँ पेड़ की जगह अगर कोई बात हो जाए, गाड़ी तो धराल होगा, ये लड़के आदमी उसका पीछा किया। अच्छा, गाड़ी उसका पीछा करने वाला आदमी मेरा गया। हाँ, गाड़ी तो गाड़ी स्टार्ट हो गई, टेंशन से नहीं, कोई नहीं, अरे जान बच गया आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आप गिर गए, गिर गए ना? ठीक है, चले जाइएगा ना, जा सकते हैं ना, चलिए 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 चलिए। या कितने एक्सीडेंट होगा रात भर के अंदर, बता नहीं सकते, कितने एक्सीडेंट हुआ, जगह नहीं, वहाँ पे मोटरसाइकिल का जगह नहीं है, और यहाँ पे मीडिया वाले आप लोग इस मुझे बात, हम बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम वही बात बोल रहे हैं, ये कौन करेगा, ये किसकी जिम्मेदारी है? एगो रवीश जी था मेरा गांव सोलापुर का। हाँ ठीक है, बैठिए, जाइए आप, जाइए उनके साथ, उनको जाने दीजिए हॉस्पिटल, उनको जाने दीजिए, उनको जाइए उनके साथ, आप बैठ के जाइए, अभी एक्सीडेंट हुआ, हाँ ट्रीटमेंट कराइए, बैठिए बैठिए जाइए। हाँ जाइए, इनको इलाज करवाइए, जाइए जाइए हॉस्पिटल में दिखवा लीजिए। चलिए ठीक है, वो चले जाएंगे हॉस्पिटल तक। चलिए गाइस, ठीक है, ओके, बंद करो, चलिए।